Before I start to teach you programming or coding in C, you must know the C language fundamental. अगर आपको fundamental नहीं आएगा तो आप C में programming नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए आपको basic उसके elements जो हैं वो सीखने पड़ेंगे. The basic element used to construct a simple C program statement. These elements are token, identifier, keyword, constant, operator, data type, variables and type casting. इतने तरह के आपके elements हैं basic जिनको आपको जानना जरूरी है. इसमें आज हम token और आपका identifier, keyword और constant इतनी चीज आज cover करेंगे. So let us start. Token. In C program, each word and punctuation is referred to as token. C token are the smallest building block or smallest unit of the C program. जैसे किसी word की smallest unit character होती है, उसी तरह से C की smallest unit token. C supports 6 types of tokens. C में 6 तरह के tokens हैं. पहला है आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. और आज हम आइडेंटिफायर, कीवर्ड और कांस्टेंट को कवर करेंगे. सो व्हाट इज अ आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू अ डिफरेंट एंटिटी सच एज कांस्टेंट, वेरिएबल, स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा. तो आइडेंटिफायर को वो जो हम कंप्यूटर में सी में यूज करते हैं वो है कांस्टेंट, वेरिएबल, स्ट्रक्चर और फंक्शन. ये सारी आइडेंटिफायर की एंटिटीज हैं. सो एग्जांपल जैसे इंट, टोटल, डबल, अमाउंट. ये टोटल एंड अमाउंट इज अ आइडेंटिफायर. ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि अमाउंट और टोटल का किस टाइप का डेटा टाइप है और उसका क्या नाम है. रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. आइडेंटिफायर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो आइडेंटिफाई करे किसी एंटिटी को. एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ए टू जेड और बिग ए टू जेड और 0 to 9. दैट इज लेटर्स एंड डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल. आइडेंटिफायर जो होता है वो अल्फा न्यूमरिक करेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर सिंबल होता है. आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी यूनिक. अब आइडेंटिफायर जो आप बनाइए वो यूनिक मतलब है, अगर टोटल आपने स्मॉल में लिखा तो वो स्मॉल टोटल को ही रिकॉग्नाइज करेगा, बड़े टोटल कैपिटल लेटर में आप अगर उसको लिख दीजिएगा तो वो उसको नहीं समझेगा. तो केस सेंसिटिव होता है. आप नाम में अगर एक करेक्टर भी बड़ा कर देते हैं तो वो नाम आइडेंटिफायर का डिफरेंट हो जाता है. द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर. और पहला करेक्टर या तो अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा. यू कैनॉट यूज अ की वर्ड एज आइडेंटिफायर. अब ये की वर्ड क्या होता है? दैट इज अ रिजर्व वर्ड विच इज प्री बिल्ड बाय द सी लैंग्वेज एंड यू कांट यूज दीज वर्ड एज अ identifier, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे. Only the first 31 character are significant. अब इसमें alphabet के 30, अब आपके identifier में 31 character जो होते हैं वो significant, महत्वपूर्ण होते हैं identifier को identify करने में. It must not contain with white space. लेकिन जो भी नाम आप रखें उसके बीच में space नहीं होना चाहिए. आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. जैसा कि अभी हमने बताया कि यूनिक तभी होगा जबकि उसका जो नाम रखा गया उसी नाम से उसको फिर रिकॉल किया जाए. अगर कोई भी अल्फाबेट स्मॉल या बिग डिफरेंट हो जाता है तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा. अब व्हाट इज अ कीवर्ड? हमने यहाँ कहा ना, यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर. तो कीवर्ड क्या होता है? द सी कीवर्ड मस्ट बी इन योर इंफॉर्मेशन बिकॉज यू कैन नॉट यूज देम एज अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम. इट्स रिजर्व वर्ड इन अ सी लाइब्रेरियन यूज्ड टू परफॉर्म अ इंटरनल ऑपरेशन.
जो पहले ही से लाइब्रेरी में रखा गया है और यूज करता है इंटरनल ऑपरेशन को, वो रिजर्व वर्ड या की वर्ड होता है. द मीनिंग एंड द वर्किंग ऑफ दीज की वर्ड्स आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर. और इसका मतलब जो होता है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है. तो वो अगर आप वेरिएबल में यूज करिएगा तो वो उसी तरह काम करेगा जो कंपाइलर को गाइड किया गया है. अ कीवर्ड लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ 32 रिजर्व कीवर्ड इन सी लैंग्वेजेस गिवन बिलो. जिसको आप समझ लीजिए कि इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल में नहीं यूज कर सकते. ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, साइन, कंटिन्यू, फॉर, साइन, वॉयज, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ एन वॉलेटाइल. और इन सब वर्ड्स का कुछ ना कुछ मतलब है और उसको किसी पर्टिकुलर यूज के लिए ही यूज किया जाता है और कहीं आप इसको यूज नहीं कर सकते. जो आप धीरे धीरे जब सी लैंग्वेज सीखिएगा तो आपको आ जाएगा. देन थर्ड वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट आर लाइक अ वेरिएबल एक्सेप्ट दैट देयर वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वंस डिफाइंड एंड इट्स वैल्यू रिमेन द सेम ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. कॉन्स्टेंट क्या होता है? वो ऐसा वैल्यू होता है जो कभी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होता है. और वेरिएबल क्या होता है? जो जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, वेरिएबल मीन्स वेरी, जो वैल्यू चेंज होती है. जैसे a इक्वल्स टू 10 आपने लिखा तो a इक्वल्स टू 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. लेकिन 3, 4 की वैल्यू चेंज नहीं होती है बिकॉज 3, 4, 10 ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल. हम कॉन्स्टेंट को लिटरल भी कहते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिक लिटरल हो चाहे न्यूमरिक लिटरल हो. कॉन्स्टेंट कैन बी एनी ऑफ डेटा टाइप. और कॉन्स्टेंट जो होता है किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है. इंट, फ्लोट, डबल, करेक्टर, स्ट्रिंग, ऑल दीज आर डेटा टाइप. वॉयड, तो शॉर्ट, लॉन्ग, All these are data type. So constant किसी भी data type का constant हो सकता है, जो हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा. It is a considered best practice to define constant using only uppercase name. और ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी constant को uppercase name में define करिए. Constant type in C. Now we will learn what are the types of constant. Constant are recognized constant are categorized into two basic types, and each of these type has its subtypes categories, and these are as follows. सबसे पहले primary constant. A primary constant is a numeric constant, character constant or symbolic constant. Last क्या है? सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट. सो वन बाय वन वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट. सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें, जो हर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा. तो इसको केयरफुली समझिएगा, अभी हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टेंट कितने तरह का होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं. तो पहला है प्राइमरी कॉन्स्टेंट, जिसमें न्यूमरिक कॉन्स्टेंट. न्यूमरिक कॉन्स्टेंट दो तरह के हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, और करेक्टर कॉन्स्टेंट, जिसमें सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, बैक स्पेस स्लैश करेक्टर कॉन्स्टेंट. और थर्ड आपका जो है वो है, अभी हमने बताया, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट. सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो आपका
इसका थर्ड टाइप है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट जो होता है आपका अब सही हो गया। न्यूमेरिक कांस्टेंट के रूल्स हैं कुछ। न्यूमेरिक मींस नंबर, रूल्स टू फॉर्म अ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। नो कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस अलाउड इन कांस्टेंट। नंबर में आपका कॉमा और ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता। इट कैन बी अ प्रीसीडेड बाय अ माइनस साइन इफ डिजायर्ड। अगर आपको जरूरत है तो माइनस साइन आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। द वैल्यू शुड बी लाई विद इन अ मिनिमम और मैक्सिमम परमिसिबल रेंज डिसाइड बाय द वर्ड साइज 163264 बिट। अब वर्ड साइज क्या होती है, 16 बिट भी हो सकती है, 32 बिट्स भी हो सकती है और 64 बिट्स भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा उसकी साइज सेट होती है ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो वर्ड साइज होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट इंटीजर की सेट होती है। इंटीजर कांस्टेंट, इट्स रेफरिंग टू सीक्वेंस ऑफ डिजिट। इंटीजर आर ऑफ थ्री टाइप। पहला है डेसिमल इंटीजर, जिसमें रेंज 1, 2, 3, 2, 7, 6, 7 होती है। इसमें वैलिड नंबर जो होता है 1, 2, 3, 2, 7, 6, 7 नंबर तक होगा। और इनवैलिड क्या होगा, अगर नंबर के बीच में आप कॉमा कर देते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, डेसिमल कर देते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, स्पेस कर देते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, डैश कर देते हैं बीच में, सबसे आगे लगाएंगे तब तो माइनस ले लेगा, बीच में लगाएंगे तो नहीं लेगा, और जीरो नाइन जीरो जीरो फर्स्ट डिजिट शुड नॉट बी जीरो। और अगर आपने डिजिट के पहले माइनस लगा दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो वहां से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर में फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इनवैलिड जो है आपके वेरिएबल इंटीजर कांस्टेंट है। अब आया ऑक्टल। ऑक्टल मींस आठ होता है और इसमें डिजिट 0 टू 7 वेरी करती है। तो वैलिड नंबर 0 टू 7777 मैक्सिमम हो सकती है। इनवैलिड क्या है, इसमें आगे 0 नहीं लगा इसलिए इनवैलिड है। इसमें 8 आ गया है, 8 आ गया है, 8 करेक्टर नहीं हो सकता ऑक्टल में, क्योंकि 0 टू 7 रेंज करता है और डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि ऑक्टल में डेसिमल वैल्यू नहीं होती। अब आया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मींस होता है 16। अब 16 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 टू 9 तक होता है, तो ए बी सी डी ई एफ 11 टू 15 को रिप्रेजेंट करता है। वैलिड क्या है, 0x0 टू 7FFF। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। किसी भी हेक्साडेसिमल को डिफाइन करने के लिए 0x आगे लिखना पड़ता है और जीरो से वैल्यू शुरू होकर के 7FFF तक मैक्सिमम होती है। अब हम जब कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं, तो उसमें अगर हम 0x नहीं लगाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगी। तो x इज नॉट इंक्लूड करेक्ट वैल्यू इज करेक्ट कांस्टेंट इज 0xbef होगा। यहाँ पे देखिए x नहीं लगा है, 0x डॉट लगा है तो डॉट गलत है, 0xgbc लगा है तो g कोई करेक्टर ही नहीं होता हेक्साडेसिमल में, तो इसलिए ये एरर हो गया। अब हेक्साडेसिमल के बाद आया रियल कांस्टेंट। नंबर कंटेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट लाइक 88.50 आर कॉल्ड रियल और फ्लोटिंग पॉइंट
कांस्टेंट। फिर आया करेक्टर कांस्टेंट, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, इट सिंपल कंटेन अ सिंगल करेक्टर एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट्स, अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। इट इज टू बी नोटेड दैट द करेक्टर 8 इज नॉट सेम एज 8। अगर 8 के इधर इधर आपने कोट्स लगा दिया तो वो 8 नंबर के बराबर नहीं होगा, वो करेक्टर में चेंज हो जाएगा। करेक्टर कांस्टेंट है स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू नोन एज ASCII वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एग्जांपल है कोड्स के अंदर एक्स हो, फाइव हो, सेमीकोलन हो, ऑल दीज आर सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। सो दैट मींस द करेक्टर कांस्टेंट आर दोज अल्फाबेट्स व्हिच आर विद इन द सिंगल कोड्स। देन string constant, these are the sequence of character enclosed in a double quotes, and they may include letters, digit, special character and blank space. It is again to be noted that double quotes G and single quotes G are different, because double quotes G represent a string and it is enclosed within a pair of double quotes, whereas single quotes represent a single character. तो double quotes के अंदर जब भी कुछ हम लिखेंगे तो वो string बन जाएगा, और जब single quotes के अंदर हम जब लिखेंगे तो वो character बन जाएगा। So here the example of the string constant is hello 2015 and 2+1. So these are the string constant. Now backslash character constant. C supports some character constant having backslash in front of it. The list of backslash character have a specific meaning which is known to the compiler. They are also termed as escape sequence. जब भी हम किसी भी अल्फाबेट के सामने backslash ये सिंबल लगा देते हैं backslash, तो उसका स्पेशल मीनिंग हो जाता है और वो escape sequence में आ जाता है जिसको compiler समझता है। अब backslash t is used to give the tab. आपके टैब की जो होती है कीबोर्ड में वो बैक स्लैश टी से रिप्रेजेंट होती है, और बैक स्लैश एन इज यूज टू गिव अ न्यू लाइन, और जो आप एंटर करते हैं और दूसरी लाइन में पहुंच जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैक स्लैश एन लगता है। अब आया आपका सीक्वेंस, हमको एस्केप सीक्वेंस का एक लिस्ट दी गई है। स्लैश ए से बीप साउंड आएगी, बी से बैक स्पेस आएगा, एफ से फॉर्म फीड आएगा। फॉर्म बी फ्रीड मतलब है कि पूरा एक पेज स्किप होकर दूसरे पेज के हेडिंग पे पहुंच जाएगा। स्लैश एन से न्यू आएगा, स्लैश आर से कैरियज रिटर्न, कैरियज रिटर्न मीन्स एंटर की जब दबाया आपने, और बैक स्लैश टी इज हॉरिजेंटल टैब है, बैक स्लैश बी है वर्टिकल टैब है, बैक स्लैश कोट्स, जब भी कोई कोट्स या डबल कोट्स आपको लगाना होगा तो उसके पहले आपको बैक स्लैश लगाना पड़ेगा जिससे कि कंप्यूटर उसको समझे। स्किप हो गया है, अब देखते हैं। अब ये बैक स्लैश के लिए भी बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, और बैक स्लैश जीरो का मतलब नल करेक्टर होता है। नल मीन्स कुछ नहीं, स्पेस नहीं है, नल मीन्स कुछ नहीं। स्पेस के लिए 32 करेक्टर ASCII करेक्टर है। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट, it is name that substitute for a sequence of character or numeric constant, a character constant or a string constant. When a program is compiled, each occurrence of symbolic constant is replaced by its corresponding character sequence. The syntax is as follows. अब इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी word के लिए हम capital letter में word बना करके as a variable define करते हैं और उसकी value fix कर देते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स है डिफाइन नेम टेक्स्ट। तो जहाँ पे नेम इम्प्लाइज सिंबॉलिक नेम इन कैपिटल लेटर्स एंड टेक्स्ट इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट, तो जो हमने टेक्स्ट नाम डिफाइन किया है उसकी वैल्यू वो डिफाइन कर देता है। तो इसमें क्या देगा, डिफाइन प्रिंट एफ प्रिंट। अब प्रिंट एफ हमारा रिजर्व वर्ड है जो प्रिंटिंग का काम करता है, उसको हमने कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया उसकी वैल्यू को, तो वो प्रिंट समझेगा, प्रिंट एफ नहीं समझेगा। फिर डिफाइन किया मैक्स, हमने कहा नंबर 100 मैक्सिमम हो, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 डिफाइन कर दिया,
और define size equals to 10. हमने साइज जो 10 सेट की वो 10 सेट कर दी. अब आया सेकेंडरी कांस्टेंट. सेकेंडरी कांस्टेंट मींस है एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन इनम. ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन क्योंकि कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है. तो आज के लिए इतना ही है. कल हम लोग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप ये सब पढ़ेंगे. आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और समझ में तभी आएगा जब हम धीरे धीरे इसको पढ़ाएंगे. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियो रिगार्डिंग टू द सी लैंग्वेज. थैंक यू.